संजय दत्त, सुनील दत्त के जनाब मेरे गांव वाजी भाभी देखते हैं, उनकी गलियों की तरफ जाएंगे, देखेंगे आगे। ये भाईजान बताने लगे हैं जी, सुनील दत्त का घर ठंडा मेनू पै गया। वाह जी वाह। अभी भाईजान कह रहे हैं जी हम आपको दूसरी साइड से दिखाते हैं, वहां से शायद रास्ता में मिल जाए, लेकिन ये भी मेरे लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज है। भाईजान संजय दत्त का घर बता दें यार, रुक आगे है। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। आगे एक और न्यू कड़ाकेदार सा व्लॉग लेकर। इस टाइम जी मैं खड़ा हुआ हूँ नौग्राम वाले पुल के ऊपर, अदनान भाई भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अदनान? है ठीक ठाक है। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं नीचे जो है कस जा रही है, इसको कस कहते हैं पंजाबी में, अब मुझे नहीं पता कि उर्दू में क्या कहते हैं। तो पहले जो लोग थे ना, वो दोस्तों यहाँ से जो है ना सफर करते थे अपना पैदलों पैदल, यहाँ पर जो है ना लकड़ी के पुल भी बना लेते थे लोग, उसके ऊपर ट्रालियां फिर मोटरसाइकिलें सारा सिस्टम था, यानी कि कश्तियों में भी लोग जो है ना उस तरफ जाते थे। तो ये पूरी एक कस है आप देख रहे होंगे। अब जो है थोड़ी सहूलत हो गई है माशाल्लाह से, कुछ ही टाइम हुआ है ये नौग्राम वाला जो है ना पुल बना है। दोस्तों हम जाने लगे हैं खुर्द जेलम में। खुर्द एक छोटा सा गाँव है, ठीक है, और जितना छोटा गांव है हिस्ट्री थोड़ी सी आप बड़ी कह लें। हमारे घर से खुर्द का सफर जो है ना 30 किलोमीटर है। वहां पर जी सुनील दत्त, जो संजय दत्त है ना इंडिया का एक्टर, उसके वाले साहब की रिहाइश थी, और जब यहाँ पर हालात खराब हुए थे तो वो यहाँ से जो है ना अपना घर ये छोड़कर चले गए थे। तो उनके गांव की जो है ना आज हम पूरी सैर करेंगे, हम भी देखेंगे यार कुछ क्या बदला है कि वैसे क्या वैसा ही है, और घर भी आपको कोशिश करूंगा कि विजिट कराऊं। अभी मुझे पता चला है कि वहां पर फैमिली वगैरह आ गई है तो देखेंगे, लेकिन उनके गाँव की जो है ना आपको टोटल सैर करवाएंगे। आ जाए हमारे साथ रहे। अदनान साहब जनाब इधर सेल्फियां लेने में मसरूफ हो गए। चलो जी भाई साहब बैठो मोटरसाइकिल पे, सफर हमारा जो है ना वो स्टार्ट हो गया। हम आ गए खुर्द के पेट्रोल पंप पर, सामने कहीं पर गांव है, और अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ अपना एक और दोस्त है, वो जो है ना खुर्द के साथ ही रहता है, तो उसको भी बुलाया है वो आ जाए। थोड़ा सा भी हमने यहाँ पर रुके हुए, और जो है ना नान टिक्की जनाब जो है हमें यहाँ पर मिल गया, हम ये खाने लगे। थोड़ी थोड़ी सी भूख लग गई है। हाय 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 माशाल्लाह। शुक्रिया। जी रोल आ गया जनाब हमारा बंद कर, नान टिक्की वाला। मजे का जी ठंडा मेनू पै गया। वाह जी वाह। ये जनाब इसका जो है ना चाचू है, मेरा दोस्त है। ये आगे जी दोस्तों हमारे साथ मानी, ठीक है, इमरान नाम है इनको, प्यार से मानी मानी बोलते हैं हम। हमने जनाब जाना है संजय दत्त के गांव, ठीक है जी, ये हमें लेके चलेंगे संजय दत्त के गांव खुर्द में, खुर्द नाम है जी, विजिट करवाने हैं हमको। ठीक है, ठीक है जी, आ जाए अभी चलते हैं, क्योंकि ये इधर के मकामी है तो इनको ज्यादा पता है, अभी इनको साथ लेके चलेंगे। ठीक है मानी भाई चलें अभी। चलो। इसको भी नहीं पता, ये भी पूछ रहा है। मुंशी जाट ना कहा सके, मुंशी जाट केड़ा वकील सके ओके ना, ये अभी रास्ता पूछ रहा है, इसको लाने का कोई फायदा नहीं, इसको भी नहीं पता, पता इसको नहीं है, लेकिन इसको जगह का पता है कि मुंशी की गली कौन सी है, फलानी गली कौन सी है, तो ये फायदा हो गया। चलो जी पता लग गया, पता लग गया। अच्छा कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं होया तेन लिया का। संजय दत्त, सुनील दत्त के जनाब मेरे गांव वाजी भाभी देखते हैं, उनकी गलियों की तरफ जाएंगे, देखेंगे आगे और आपके साथ शेयर करेंगे। जहाँ संजय दत्त का घर बता दें यार, रुक आगे है। चलो जी, हाँ जी, अच्छा चलो धानी कह रहा है मैं भी पहुंच गया हूँ, किधर पहुंच गया? इधर जाना है जी, इधर नाम बोल रहा है। लोग आगे भी गलियों में, तो अभी देखते हैं आगे जी। ये उनका गांव है संजय दत्त का, सुनील दत्त का, ये उनका गांव है जी, और हम लोग इंटर हो गए हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हो जी उनकी गलियां, उस टाइम का ये गांव है, पुराने पुराने अभी घर बने हुए हैं उस टाइम के, तो कुछ अभी नए बन गए हैं यहाँ पर। जिस तरह ये आप देखें जी, ये दरवाज़ा भी आप देखें जी कितना पुराना है, लाख शाख लगा हुआ है इस पर, और ये कुछ घर नए बन गए हैं यहाँ पर।
देखेंगे अगर वहाँ पर फैमिली वगैरह की रिहाइश हुई तो फिर अंदर जाके जो है ना मुनासिब नहीं है उनका घर आपको विजिट करवाएं, लेकिन बाहर बाहर से जो है ना हम आपको जरूर दिखाएंगे, अंदर से भी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन वीडियो में आपके साथ जरूर इसकी शेयर कर दूंगा। ये भाईजान बताने लगे हैं जी सुनील दत्त का घर, उसी भी थे ये भाईजान मकामी रिहायशी। ठीक है, छताले मारे नहीं, पहले तो यहाँ पर रिहायश थी ना जी, पर रिहायश थी, अब खत्म हो गई है जी। अच्छा अच्छा जी, वो तो अब वो चले गए हैं जी, वो जेल चले गए हैं। अच्छा अच्छा, लगा गए वो मारे खत्म कर गए सारे कुछ। अच्छा, ये कौन सी जगह? ये खुरद है, खुरद है ना, और ये अब आप दिखा रहे हैं, ये क्या उनका घर है जी? उनका घर था ये। अच्छा, ये उनका घर था जी, अभी मैं साथ हूं। अच्छा, घर भी है, घर खत्म कर दिया ना अभी उन्होंने, मकान नए बनाने अभी उन्होंने, वो घर जो था सुनील दत्त का वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। भाई साहब कह रहे हैं जी उनका ये वाला घर था दोस्तों, ये आप देख लें, वो कह रहे हैं जी यहाँ से वो चले गए, जब हम आए थे देख के तो हमने कहा था जी यहाँ पर हम आएंगे विजिट करेंगे, भाईजान भी हैं और भी लोगों से पूछा है, तो वो कहते हैं जी यहाँ से ये घर जो है वो खत्म कर दिया, तोड़ फोड़ दिया है। ठीक है, तोड़ फोड़ दिया जी, अब वो चले गए आगे, वो दिखा दें जी जी, उस साइड से जी हमें दिखा रहे हैं भाई। अभी भाईजान कह रहे हैं जी हम आपको दूसरी साइड से दिखाते हैं, वहां से शायद रास्ता में मिल जाए, लेकिन ये भी मेरे लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि मुझे पता चला था जी घर उनका है, ठीक है उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, लेकिन अभी ये भाई जी से कह रहे हैं और भी एक दो लोगों ने कहा है, वो कहते हैं जी यहाँ से वो चले गए हैं, जिन जो यहाँ पर रहते थे जिनके हवाले था ये घर, तो तोड़ फोड़ दिया है जी बिल्कुल ही, और ये जगह मेरे ख्याल में बेच दिया, जगह जगह उनके पास ही। अच्छा, जगह उनके पास ही है, लेकिन वो जेलम चले गए हैं। यादें थी वो जो जिस तरह कह रहे थे सुनील दास साहब आए थे तो उन्होंने कहा था जी ये घर मेरा यहीं पर ही है, इसको संभाल के रखना है, वो अब खत्म हो गया, तो ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज है। ये अब ये वीडियो जो है ना सुनील दास के पास जानी चाहिए, वो कहेगा हे बाबा हे बाबा मेरा घर तोड़ दिया रे। ले जी हम आ गए सुनील दास के घर के अंदर। अच्छा अच्छा जी, ये घर है जी, कुछ वो पुरानी बनी हुई है। हाँ दानी साहब, अच्छा 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 जी, ये पुराने घर हैं, ये आप देख लें जी, ये जगह है सारी, और इस टाइम कुछ भी नहीं है जो आप कहें जी उनकी निशानी कोई ऐसी चीज आपको नजर आ रही हो, सिवाय जो है ना खंडर बन गया इस टाइम, ये एक अलमारी टाइप पड़ी हुई है, बाकी कोई दरख्त वगैरह लग गए इस जगह पर। ठीक है जी, अब आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक यही दरवाजा जो बंद है, एक कमरा ये सलाम, अच्छा बाद में बनाया, यही एक जी सलामत है, और अभी जो है दोस्तों कुछ भी दिखाने वाला नहीं है। ये संजू बाबा कुछ भी नहीं है रे, आपका घर यहाँ पर नहीं है रे, पाकिस्तान में खत्म हो गया है, बंद हो गया, बस जो आपकी चाहत थी जी आप आएंगे कभी जेल में अपना घर देखेंगे, तो अब देख लें जी ये आपका घर है। ठीक है, बड़ा दिल था उनका, शौक था कि वो यहाँ पर आएंगे और अपना घर देखेंगे, तो वो चीज नहीं है, ये मामलात हैं जी, कुछ नक्शे भी पड़े हुए पुराने, ये आप नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन अब ऐसी क्या चीज है जो मैं आपको यहाँ से एक्सप्लोर करूं आपको दिखाऊं, ये सब गांव वाले आए हुए सब इस चीज की गवाही दे रहे हैं जी, मैं समझाऊं कि शायद एक भाई है अभी उनको नहीं पता होगा, लेकिन सब यही कह रहे हैं जी यहाँ से वो चले गए हैं, उनका घर अब यहाँ पर नहीं रहा। नलका किधर लगा हुआ था? किस जगह पर? इधर नलका वगैरह भी जो उनका लगा हुआ था पुराना उसी दौर का, तो अभी जो है कुछ भी नहीं है, तो अब यहाँ से यही है, अब चलते हैं जी वापस, क्योंकि सारे भाई इकट्ठे हुए हैं जी, ये बच्चे भी हैं, भाई साहब भी हैं, बस सिर्फ यहाँ पर जो है ना आपको दरख्त नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा बाद में लगाए हैं, ठीक है ठीक है, कोई चीज नहीं छोड़ी जी ऐसी हमारे लिए कि हम भी आपके साथ शेयर करें, चलें। ठीक है जी भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, चलो जी। हाँ जी, क्या हाल है जी? ठीक हो? चलो जी चलते हैं वापस घर, और एक दफा मैं आपको फिर यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये गांव है जी उनका, ठीक है पुराना, ये उनकी याद थी, और ये घर था जी सामने, इसको ताला लगा दिया। मैं फिर भी जाते जाते आपको जो है उनकी गलियाँ, उनका मोहल्ला, उनका गांव, वो भी आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ, उनके पुराने घर को जो है ना तोड़ फोड़ दिया और वो चले गए। ये हमें जी चाय पिलाने लगा होटल से, मीठा बिल्कुल ना था पानी, बिल्कुल कम भाईजान मीठा जो है ना, मैं डाइट पर हूँ।
लो जी चाय जनाब हमारी आ गई है माशाल्लाह। क्या जबरदस्त क्लास की चाय है यार। वाह वहाँ से हम फ्री होकर जो जी आ गए हैं अमानी के घर की तरफ और ये गांव है जनाब आप देखो बिल्कुल ही सुकून माहौल है। ये सामने तो कब्रिस्तान है और ये साथ जनाब देखें दाने शाने यहाँ पर और कितना प्यारा यार खूबसूरत माहौल है फुल गांव वाला जो है ना माहौल है। अभी ये ऊपर अपने मकान वगैरह बना रहे हैं सामने कबूतर शबूतर हैं जी हा 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 और इधर आके जो है ना भाई साहब आपको इतना सुकून आएगा ना उसका मैं आपको बता नहीं सकता। ये जनाब अमानी साहब का पूरा ढेर है गायें शायें माशाल्लाह देखो जी आह ये होता है पूरा गांव का माहौल। मशीन जनाब टोकी वाली मशीन है ठीक है ये देखें ये क्या बना हुआ है मानी भाई। अच्छा कबूतरों के लिए खुड़ला हो गया जी ये पोपड़ा हुआ जी जो डालते हैं ठीक है ये भी देखो जी पूरा देहाती माहौल है मुर्गियां शुर्गियां नीचे और ये है जी मानी भाई का गाँव। किसी दिन इंशाल्लाह आएंगे अगर आपकी फरमाइश होगी तो इस गांव की भी वीडियो वगैरह बनाएंगे आपको माहौल पूरा दिखाएंगे क्या नेचर है खूबसूरती है। और बाकी जी बस यहीं से हम थोड़ी बहुत गपशप लगाएंगे ठीक है मानी भाई शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर भी ठीक है। मैं और अदनान जाएंगे वापस वहां पर कुछ दोस्तों ने हमें बताया है कुछ जो गाँव के रहने वाले हैं वो कहते हैं जी संजय दत्त का घर जो है ना सुनील दत्त का वो और भी है वो बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन ये यहाँ पर हम गए थे काफी यही कह रहे थे जी यहाँ पर नहीं रहते यहाँ पर नहीं रहते लेकिन जब जैसे ही हम गांव से बाहर निकले तो लोग कहते हैं जी ये एक और घर भी है इनका लेकिन वल्ला आलम फिर इंशाल्लाह ताला दोस्तों के चक्कर लगाएंगे देखेंगे कि वाकई उसका घर वहां पर है तो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा कमेंट में अगर तो उनका घर सही सलामत है जिनको पता हो। संजय दत्त के पास ये वीडियो पहुंचा दें उनको बोले जी तेरा घर टूट फूट गया है ठीक है पाकिस्तान में। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब लाजमी से कर देना बेल आइकन को प्रेस कर दें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अच्छे से ब्लॉग में तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें दुआओं में याद रखें मुझे इजाजत अल्लाह हाफिज़।